नमस्कार, मैं विजेंद्र और आप शुरू कर चुके नहीं जड़े देखना। हम इस वक्त भिलाई 3 थाने में मौजूद हैं और एक ट्रांसपोर्ट नगर का रहने वाला एक राजकुमार गोड़ व्यक्ति है जो 3 साल बच्चे के साथ गंदी हरकत करता है और एमपी के रहने वाला है और गुड लक कंपनी पर काम करता था। हम बच्चे के परिजन से जानेंगे और बात करने का प्रयास करेंगे, क्या कुछ है बने रहेंगे। बताएंगे भैया, बच्चे के साथ क्या कुछ हुआ? सर उतना तो मेरे को भी नहीं पता, मैं तो सोया था घर में। आए हम मेरे को बोला वो कि मेरे कंपनी का खराब है क्रेन। किस कंपनी में काम करता था व्यक्ति? वो तो गुडला कंपनी में करता था वो व्यक्ति। कहाँ पे है वो कंपनी? वो हथौज में ही है। तो हमारा क्या है, सुरभि स्टील में काम चलता है। तो वो बोला मेरे को कि भाई मैं तेरे साथ जाऊंगा नाइट में। तो मैं कौन कौन बोला आपके साथ? वही राजकुमार बोला। राजकुमार आपके साथ बोला कि जाऊँ काम? हाँ, रात में नाइट में जाऊंगा तुम्हारे साथ काम में। मैं बोला ठीक है भाई, इधर देखो कैमरा, ठीक है भाई नाइट में चलना मेरे साथ। अब उस व्यक्ति ने, अब हमको उसको पता नहीं था कि ऐसा काम करेगा, घिनौना काम। हम उनको पूरी फैमिली टाइप का मानते थे, घर में खाना वाना सब खिलाते थे उसको, लेकिन वो नीच हरकत करेगा बोल के हमको पता ही नहीं था भैया। जो बच्ची से गंदा हाथ कर करेगा, उसे क्या नाम था? उनका नाम है छुटकी छुटकी बोलते हैं घर में। राजकुमार गोड़ था उसका नाम। गोड़, हाँ। वो यहाँ रहता था। तो अब काम साथ में करते थे तो दोस्ती यारी हो गया था, पहचाना। अब वो भी अच्छा संबंध घर का था आना जाना में। तो अब किसको क्या पता था कि ऐसा काम करेगा ये। बच्ची कहाँ रहता है और बच्ची कहाँ आए थे? बच्ची को लेके घर जी से गया था, साथ में आए हम लोग। बच्ची क्या लगते हो आप? मामा हूँ। मामा हूँ, हाँ बोलो। तो क्या है, अब वो आपके घर आए क्या वो? तो खजाना खोवा लेने के लिए बच्चे को लेके चले गए। अब घर वाले खोज रहे हैं कहाँ गया बच्चा। तो पता चल रहा है रात को 11:30 बजे रात को आ रहा है। सवेरे ये बात हमको पता चला तो मैं उसको खोजना चालू किया। डायरेक्ट अपनी बहन को और अपने जीजा को लेके मैं थाने आ गया कि वो सवेरे पकड़ाया था। तो हम उसको बोले कि रुक जा, तो हमको बोलता है हम आ रहे हैं पैसा लेके, और गाड़ी में 2 जन के साथ बैठा भग गया। जिनके साथ भागा उनको जानते हो? नहीं जानता। कहाँ का रहने वाला था ये राजकुमार गोड़ जो गंदी हरकत किया बच्चे के साथ? इधर क्या नाम, अनूपपुर, इधर क्या पड़ जाता है, एमपी शायद पड़ जाता है, अनूपपुर वहीं का था वो। आपकी भांजी प्रॉपर कहाँ का रहने वाली है? उसका तो यही है, हम लोग उड़ीसा के हैं। उड़ीसा के? कितने सालों से भिलाई में रहते हो आप? यहाँ तो हमारा पैदाशी है भाई, छत्तीसगढ़ में। गुडलक कंपनी आप गए थे, उन गुडलक कंपनी जाकर उनके सुपरवाइजर मैनेजर से बात किया आप? हाँ, मैं उसका ठेकेदार से बात किया तो उसका ठेकेदार बोलता है वो तो है ही नहीं, यहाँ छुट्टी है, अभी काम बंद है बोल के वो बोल दिया। तो अब सवेरे उसको हम लोग को देखे थे, बुलाया तो नहीं माना, वो नहीं माना, भग गया। हाँ, भग गया वो तुरंत। तो कैसे आपको खबर लगा कि गंदी हरकत की? अब घर में माँ बाप लोगों उसकी माँ नहलाई उलाई। अब भाई पेशाब करने वाले जगह में ब्लड नहीं रुक रहा है तो कोई भी सोचेगा ही हरकत गंदी है। अभी तक ब्लड बह रहा है, तो हगीस पहना के लेके थाने आए हम। बच्ची और उनकी माता जी कहाँ हैं? अभी अस्पताल गए हैं पुलिस वाले लेके। पुलिस वाले लेके? हाँ, मुलाजा के ले गए। हाँ, तो पुलिस थाना आए तो क्या बोले पुलिस थाना? रिपोर्ट लिखवा रहे हैं। थाना प्रभारी क्या बोले? खोज रहे हैं, छानबीन चल रहा है, रायपुर चले गया है। अभी तो गया था मैं पुलिस वाले के साथ लोकेशन। कहाँ गए थे? कहाँ? ये चरोदा स्टेशन। स्टेशन के थे? हाँ, तो वहाँ लोकल आया, जैसे ही हम पहुँचने वाले थे वो व्यक्ति लोकल ही में बैठ के चले गए। तो यहाँ से फ़ोन आया लोकेशन में कि वो रायपुर भग गया है। तो अभी उनको जाएंगे पुलिस वाले के साथ पहचान। क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप, क्या होना चाहिए उनके साथ? गलत किया है तो देखो, अब उनको हमको तो न्याय मिलना ही चाहिए।
गलत किया बच्ची के साथ, ऐसा नहीं करना चाहिए, उसको जो है सजा ही दिलाएंगे हम, उस व्यक्ति को छोड़ेंगे नहीं, सजा दिलाएंगे। उनका फोटो वोटो है आपके पास? फोटो वोटो तो नहीं है मेरे पास। तो इनके मामा जी हैं, बच्ची के मामा जी हैं, और इनका कहना है कि हम उनको सजा दिलाएंगे, और बच्चे के पिताजी से भी बात करेंगे, क्या कुछ है जानने का प्रयास करेंगे, बने रहिए वीडियो पे। बच्चे के पिताजी भी है, हम उनसे बात करेंगे क्या कुछ हुआ था बच्चे के साथ, बताएंगे भी आपको बच्चे के साथ क्या। देखिए मैं एक गरीब आदमी हूँ और एक भिलाई इंडस्ट्री में काम करता हूँ, लोहा लंकड़ का काम है, जो उसमें बेंडिंग मशीन और जीआई का काम होता है, तो इसमें हम काम करते थे। अब देखो अब मैं अब राखी के दिन में अपना लड़की परिवार बाल बच्चा अपने समस्त परिवार के साथ में घर गए हुए थे, और उसमें राखी के त्यौहार के समय में, और उसके बीच में अभी देखो 11 तारीख रात्रि को ठीक मैं भी ड्यूटी टाइम में था, और घर में तो हम थे नहीं, पूरा परिवार था, उसी बीच में एक राजकुमार नाम का लड़का यहाँ काम करता हुआ था, करता रहता था। कहाँ काम करता था? वो भी वेंडिंग मशीन में काम करता था, मेरा सारा लोग जाते थे, उन्हीं के साथ में ही काम आना जाना करता था, आना जाना था घर में। और आपके साले के घर में आना जाना था? हाँ, घर के आना जाना था। आपका साला कहाँ रहता था? वो भी कंपनी में काम करते थे। एक ही साथ रहते कहाँ थे आपके साले? मेरे साले अपने ससुराल में रहते थे। कहाँ रहते थे? हथकोट शीतलापारा में। तो हम लोग गए हुए थे राखी के लिए, तो इसी बीच में रात में मैं जैसे गया हूँ रात को 10 बजे, तो मेरा परिवार बताने लगी कि लड़की गायब है घर से, ऐसा है वैसा बताने लगी। कब से गायब होता है? बता रहे हैं कि 8:30 बजे से लेके गए हुए हैं लड़की को, और लड़की मिली है हमको 1:30 से 2 के बीच में रात में। हाँ रात में। लड़की तो अभी सही सलामत है, लेकिन थोड़ा सा उसके साथ में जो भी दुर्घटना हुआ है उसी के लिए मेरे को कार्रवाई थाना में रिपोर्ट लिखवाया हूँ, उसके साथ कुछ ऊपर नीचे हुआ है बोलती। अब राजकुमार का नाम आ रहा है, लड़की बता रही कि फलाना आदमी लेके गया था ऐसा ऐसा। मेरा कहने का मतलब यही है कि भाई लड़की मेरा छोटी सी लड़की 3 साल की है, तो उसके लाइफ के लिए उसकी ज़िंदगी तो ऐसी वास्तव में तो बच गई है लड़की, अभी हुई कुछ नहीं है, घरे में है, लेकिन जो गुनहगार है उसको तो सज़ा मिलना चाहिए ना। इसी जब वो बाप बराबर है तो ऐसा हर कुछ करने लगे तो ये संसार में क्या होगा, तो ऐसे आदमी को कड़ी से कड़ी सज़ा मिलना चाहिए मेरे कहने के हिसाब से। अब हम लोग गरीब आदमी हैं, कहाँ तक दौड़ेंगे? कहाँ रहते हैं आप? मैं रहने वाला हूँ जशपुर ज़िला, छत्तीसगढ़ जशपुर ज़िला का रहने वाला हूँ, पत्थरगांव जिला, पत्थरगांव शहर है नाम गांव मेरा, वहाँ से कमाने खाने मैं भाई भिलाई नगर आया था, यही लव मेरी शादी किया, यही मेरा लोग लड़का सब हुए। कितने बच्चे हैं? मेरा 3 लड़की है 1 लड़का है। जो घटना हुआ है बड़ी लड़की? वो सबसे छोटी वाली लड़की, छोटी लड़की, सबसे छोटी वाली लड़की है, नहीं 3रा नंबर वाली लड़की है, उससे छोटी एक लड़की और है गोदी में, और जिसका घटना हुआ है वो लड़की की उम्र 3 साल है। पुलिस प्रशासन क्या बोला? नहीं, पुलिस प्रशासन क्या बोला? पुलिस प्रशासन आप तो देखो कार्रवाई किया है, रिपोर्ट उपोर्ट लिखा गया, अब देखो इन लोग क्या करते हैं आगे। सुनाई मैं आपका साला ने बताया कि ये लोकेशन ट्रेक किया तो रायपुर निकल गया, लोकल में चरोदा से बैठ के लोकल में रायपुर निकल गया, करिए बता रहे थे ऐसा है क्या? कोई नॉलेज है कहीं भागे भाई? मेरे को अपना लड़की का जो हुआ है इसके साथ, उसके लिए भाई मेरे को उसका वो चाहिए, सजा मिलनी चाहिए, मतलब मेरे कहने का मतलब उसको न्याय मिलना चाहिए लड़की का, जो भी जैसा भी है, लेकिन जो नियम सबके लिए बना है वही नियम के हिसाब से सबका नियम वही बनना चाहिए मेरे हिसाब से। लड़की के पिताजी हैं, और लड़की के पिताजी का कहना है कि उनको फांसी होना चाहिए या तो फिर उनको उम्र कैद की सज़ा होना चाहिए, क्योंकि वो 3 साल की बच्ची थी, उनके साथ गलत हरकत किया है। राजकुमार गुण MP की रहने वाला है, प्रॉपर वो MP की रहने वाला है, लेकिन वो व्यक्ति गुड लक कंपनी में काम करता था ट्रांसपोर्ट नगर में आकर, और बने रहिए वीडियो में, और वीडियो में क्या कुछ मिलता है देखने को, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट करना ना भूलें, शुक्रिया।